नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। तो भाई, सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अलग ही भौकाल में रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है रोड्स इनके द्वारा ही बनाई गई है, या कहिए एक तरह से ये खुद को रोड्स का मालिक समझते हैं और बाकी लोगों पर एहसान कर रहे हैं इस पर चलने देने के लिए। और इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं। ज्यादातर क्या समझ लीजिए, आज के टाइम पर 90% सड़क पर जो भी उल्टी सीधी हरकतें या फिर रोड रेजेस वगैरह होते हैं उनमें यंगस्टर्स ही शामिल रहते हैं, क्योंकि इन भाई लोगों को बात बात पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और ये सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों से बिना किसी वजह के उलझने लगते हैं। इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा गलती इनकी ही रहती है, लेकिन अगर उस पर कोई कुछ बोल दे या फिर टोक दे तो ऐसा लगता है ये बीच रास्ते में उसे उतार कर मारने लगेंगे। और ऐसा बहुत बार होता भी है, ये लड़के जोश जोश में कुछ भी करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ यंगस्टर्स का रेकलेस ड्राइविंग वाला वीडियो आप आज भी देखेंगे। यह पहला इंसिडेंट कर्नाटका से मिस्टर शुएब ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से बेंगलोर के MG रोड के पास से होते हुए जा रहे थे। आप देख सकते हैं गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी हुई है और ये धीरे धीरे मूव हो रही है। तभी होता क्या है, राइट साइड से स्कूटी लेकर दो लड़के आते हैं और बिल्कुल कार को आगे से क्रॉस करने लगते हैं। हालांकि कार ड्राइवर यहाँ पर अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और ठीक ठाक डिस्टेंस पर ये स्कूटी से खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसके और स्कूटी के बीच में ठीक ठाक डिस्टेंस है और ना ही ये स्कूटी में टच हुई है। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं ये स्कूटी चला रहा राइडर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है और उल्टे सीधे इशारे कर रहा है और ये सब करके ये सीधे निकल जाता है। तो भाई यहाँ पर कार ड्राइवर बिल्कुल सही तरह से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लड़के ने बदतमीजी कर दी और यही सब चीजें जो है वो रोड रेज की स्टार्टिंग करती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक था, इसको रोकने के लिए जगह नहीं था, इसलिए कार ड्राइवर ने कुछ बोला नहीं। और हो सकता है भाई ये गुस्से वाले हो भी ना, लेकिन मान लीजिए यहीं पर कोई दूसरे टाइप का ड्राइवर हो बिल्कुल वैसा जैसा ये स्कूटी वाला है, तो फिर इस जगह कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। वो दौड़ा के इन लोगों को पीटेगा, क्योंकि भाई सड़क पर चलने वाले सभी लोग सीधे नहीं होते हैं, कुछ काफी ज्यादा गुस्से वाले भी होते हैं। और भाई ऐसी हरकतें जब सामने वाले लोग करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, गुस्सा सभी को आएगा। बात करते हैं अगले वीडियो पर जो हैदराबाद का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्कूटी राइडर कार को ओवरटेक करता है और कार ड्राइवर को बिल्कुल घूरते हुए आगे जाता है। अब ये ऐसा क्यों करता है वो तो पता नहीं, हो सकता है ओवरटेक करने के लिए इसको जगह ना मिल रही हो इसीलिए भाई गुस्सा हो गए हो। हालांकि फर्जी भौकाल दिखाने के चक्कर में इनसे स्कूटी का बन कंट्रोल हो जाती है और ऑपोजिट लेन में चली जाती है, इनको पता भी नहीं चलता। हालांकि यहां पर फॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि स्कूटी सामने से आ रही डिजायर से बिल्कुल छू कर निकली है। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ होता तो भाई निपट गए होते। निपट इसलिए गए होते क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है, हेलमेट की जगह भाई ने हेडफोन पहना हुआ है। तो जाहिर सी बात है भाई कि बिना हेलमेट के हेडफोन वाला सर जब तेजी से सड़क पर लड़ता तो उसमें से छपरी टाइप वाले गाने बाहर नहीं निकलते बल्कि खून निकलता जो तड़पने पर मजबूर कर देता। और ये सारी चीजें होती हैं जो आए दिन आप देखते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग फालतू का भौकाल बनाने के चक्कर में कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें सड़क पर करते रहते हैं। इन्हीं सब छपरी टाइप लोगों की वजह से भाई आज के टाइम पर गाड़ियों में डैश कैम लगवाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये कब कूद कर आपके गाड़ी के सामने आ जाएंगे या फिर उल्टी सीधी हरकतें करके आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे कुछ पता नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी से इनको चोटें आ जाती हैं या फिर कुछ बड़ा हो जाता है तो बिना वजह आप लपेट दिया जाएंगे, इसलिए हर चीज का प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है। और मैं अक्सर ही आपको रेड टाइगर के बजट और क्वालिटी डैश कैम्स के बारे में बताता रहता हूँ। आपने अगर अपने गाड़ी में अभी तक डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो अभी जाइए और इस कंपनी के बेहतरीन डैश कैम्स को खरीदिए। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर, जिसे उत्तर प्रदेश से एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। ये वीडियो नोएडा के किसी रोड पर रिकॉर्ड किया गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं डैश कैम वाले कार के जस्ट पीछे एक लेक्सस सेडान और एक स्कॉर्पियो काफी तेजी से आ रही है। ऐसा लग रहा है इन दोनों गाड़ियों के बीच में रेस लगा हुआ है। तभी ये दोनों तेजी से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब गाड़ियां आगे निकलती हैं तब ऐसा दिखता है कि ये लड़का वीडियो बना रहा होता है लेक्सस का। अब यहां पर इन दोनों गाड़ियों के बीच में रेस लगा हुआ था या फिर हाई स्पीड में इनको वीडियो शूट करना था वो तो नहीं पता, लेकिन भाई ये लोग जो भी कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं काफी ज्यादा गलत है। जिसने मुझे ये वीडियो शेयर किया है यानी डैश कैम कार के ओनर, उन्होंने बताया कि ये लोग पीछे से काफी बुरी तरह से हॉर्न बजा रहे थे और हूटर वगैरह भी बजा रहे थे। हालांकि इसमें वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई है इसलिए आप वो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी भाई वीडियो में आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए हूटर बजाना। और स्कॉर्पियो एंड थार फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों में तो आजकल हूटर्स लगे ही होते हैं, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग हूटर बजा रहे हो, लेकिन भाई ये जिस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। भौकाल दिखाने के
टक्कर में इनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो सकती है और हाई स्पीड में किसी दूसरे व्हीकल में भी लड़ सकती है, तो उस सिचुएशन में काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली आपको कल ही एक वीडियो दिखाया था स्कॉर्पियो एन का, वो शायद चंडीगढ़ के आसपास का था, नहीं सॉरी मोहाली का था, वहां पर भी ऐसा ही सीन हुआ था। यंगस्टर्स काफी तेज रफ्तार में अपने स्कॉर्पियो एन दौड़ा रहे थे और उन्होंने एक इनोवा को हिट कर दिया था, जिसके बाद इनोवा के ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो जब भी कोई भयानक एक्सीडेंट होता है रोड पर तो वो सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। खैर बात करते हैं अगले वीडियो पर, जो बिल्कुल ऐसे ही एक रेकलेस ड्राइवर का है। ये वीडियो हरियाणा से मिस्टर रजत खत्री ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा थार से एक टू लेन हाईवे से होते हुए जा रहे थे, तभी उनके जस्ट पीछे एक ब्लैक कलर की वर्ना आई जिसमें कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे और इन भाई लोगों ने न थार के पीछे आकर हॉर्न बजाया और ना ही डिपर दिया, बल्कि जिस स्पीड में ये आ रहे थे उसी स्पीड में ये थार को ओवरटेक करने लगे। अब आप देख सकते हैं सामने ऑपोजिट लेन में एक डंपर आ रही है और ये जो वरना है बिल्कुल उससे छूते हुए निकली है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी डंपर से लड़ी नहीं और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। इन भाई लोगों को इतना समझ नहीं है कि ओवरटेक कैसे किया जाता है। एक तो ये हाई स्पीड में आ रहे हैं, दूसरा ना तो इन्होंने हॉर्न बजाया है, ना ही किसी भी तरह से थार ड्राइवर को इन्फॉर्म किया है कि हम आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, ये सीधा घुसे चले आ रहे हैं। और तो और इन भाई लोगों को डंपर तक का भी डर नहीं है, बाई चांस यहाँ पर गाड़ी अनकंट्रोल होकर डंपर में लड़ जाती तो इसका क्या हाल होता आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर थार ड्राइवर ने समझ लीजिए इनको बचाया है, क्योंकि इन्होंने टाइमली अपने गाड़ी के स्टेयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया और इनको निकलने की जगह दी। अगर ये वैसे थार ड्राइवर जैसे होते जैसा आप रील्स वगैरह में देखते आ रहे होंगे तो ये भाई रोड से बिल्कुल हटते ही नहीं और उस सिचुएशन में वरना सीधा जाकर डंपर में घुस जाती। हालांकि वरना ड्राइवर के इस हरकत से थार ड्राइवर को गुस्सा जरूर आया और इन्होंने बड़ी दूर तक वरना का पीछा किया और उसे रुकवाकर ड्राइवर से पूछने की कोशिश की कि भाई इतना रेकलेस ड्राइविंग तुम क्यों कर रहे हो। अब इस पर वरना के ड्राइवर जो हैं वो इनको मिडल फिंगर शो कर रहे थे, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और तो और थार ड्राइवर ने बताया कि वरना के फ्रंट सीट पर जो लड़के बैठे हुए थे उनके एक हाथ में बियर भी थी, मतलब ये भाई लोग ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे थे, तभी शायद इनको पूरी तरह से होश नहीं था कि गाड़ी को कैसे ओवरटेक किया जाता है। खैर भाई इन्हीं कुछ एंग्री यंगस्टर्स हैं जिनके वजह से आए दिन बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इनमें ना सिर्फ इनका नुकसान होता है बल्कि कई बार तो वो भी चपेट में आ जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। अभी यहीं पर देख लीजिए, थार कहीं अनकंट्रोल होकर गलती से सड़क से नीचे उतर जाती और पलट जाती तो फिर ड्राइवर को काफी चोटें आ जाती। तो भाई इन जैसे लोगों को समझने की जरूरत है कि रोड्स पर हमारे अलावा और भी लोग चलते हैं। बाकी अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट है कि वो इन जैसे ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि आगे चलकर कुछ बड़ा ना हो पाए। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई रेड टाइगर डैश कैम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाइए और खरीदिए।